नमस्कार दोस्तों, कल की क्लास में हमने अलायंस, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और लास्ट वन हमने बात की थी अबाउट जियोपॉलिटिक्स के बारे में। जियोपॉलिटिक्स मतलब रोल ऑफ ज्योग्राफी इन पॉलिटिक्स। और हमने अलायंस और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में क्या देखा था कि जो अलायंस होता है उसके अंदर सिक्योरिटी अम्ब्रेला एक पावरफुल कंट्री प्रोवाइड करता है अपने से लेस पावरफुल कंट्री को, उसके बदले में उसको मार्केट एक्सेस मिलता है। और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में हम कल्चर के बेस पे या फिर डिफेंस के फील्ड में या फिर एजुकेशन के फील्ड में इस बेस पे हम पार्टनरशिप करते हैं। आज उससे आगे क्या जानने वाले हैं, आज भी हम छोटे छोटे चीज़ों को जानेंगे। और आज क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं था तो कम पढ़ने की वजह से मैंने क्या किया है, दो चार पॉइंट अगले वाले लेक्चर में शिफ्ट कर दिए हैं, डाल दिए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं, आज भी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट वर्ड कनेक्टेड टू ईच अदर। हम ऐसे छोटे छोटे वर्ड पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन होती है आगे के जब हम पढ़ाएंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज को, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट अगर डिप्लोमेट की दो स्पेलिंग होती है, ध्यान से देखो क्या है, DIPLOMATE। जो कहीं पर का TE आ जाए तो उस डिप्लोमेट का मतलब है ऐसा बंदा जिसने किसी चीज में डिप्लोमा हासिल कर रखा हो, उसे डिप्लोमेट कहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक डिप्लोमेट आएगा, उसका मतलब वो डिप्लोमेट में क्या लास्ट में TE ना लग के सिर्फ TE होगा। उसको हिंदी में बोलते हैं, जो डिप्लोमेट पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में कहते हैं राजनयिक या कूटनीतिज्ञ। यानी ऐसा कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एब्रोड। एब्रोड यानी बाहर के दूसरी कंट्रीज को अपना जब जो कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफिशियल बंदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लोमेट कहते हैं। मतलब डिप्लोमेट मतलब किसी कंट्री के ऐसे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हो, ऐसे ऑफिशियल बंदे जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और फॉरेन कंट्रीज में, उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोमेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक होता है ब्यूरोक्रेट, उससे पहले जानते पॉलिटिशियन, सबको ही पता है इलेक्टेड कैंडिडेट टू रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्हें हम पॉलिटिशियन कहते हैं, तो दुनिया जानती है। लेकिन ब्यूरोक्रेट में अंतर समझो, आपको तो समझ गया डिप्लोमेट कि हाँ भाई जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बाहर की। अब आप बोलोगे सर कोई बाहर भी तो होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, होता है वो एम्बेसडर होता है, वो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी सीखो ब्यूरोक्रेट क्या होता है। ब्यूरोक्रेट का मतलब था हू रन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप सर ने बोला कि जो कैंडिडेट पॉलिटिशियन होता है वो रन करता है, देखो पॉलिटिशियन होता है इलेक्टेड कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट को रन करता है, पॉलिसीज लॉज बनाता है, लेकिन फॉलो करने का काम किसका है, जो पब्लिक को फॉलो करवाएगा वो कौन करवाएगा, ब्यूरोक्रेट। वो रन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट को, डिप्लोमेट को कहते हैं राजनयिक या फिर कूटनीतिज्ञ। वैसी ब्यूरोक्रेट को हम हिंदी में बोलते हैं नौकर साह या फिर दूसरा नाम दफ्तर साह। अब आप बोलोगे सर नौकर साह सही नहीं लगेगा, लेकिन यार मैक्सिमम जगह पे नौकर साह ही बोला जाता है, तो आपको मैंने ये इसलिए शब्द बताया है, दोनों नाम कह सकते हैं दफ्तर साह या नौकर साह। बहुत सुना होगा आपने ब्यूरोक्रेसी नौकर साही, आगे भी आप सुनते रहोगे, तो इसलिए नौकर साह कहा जाता था ब्यूरोक्रेट को। कौन होता है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषता जान लेते हैं। पॉलिटिशियन दैट मेक लॉज पॉलिसी एक्सेट्रा। पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, जो लॉज को बनाता है, पॉलिसीज को बनाता है और चीजों को बनाता है, लेकिन जो अप्लाई का काम होता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, वो कौन होता है, बट ब्यूरोक्रेट इम्प्लीकेट दोज, उनको इम्प्लीकेट अपने एरिया में इम्प्लीकेट कौन करता है, वो ब्यूरोक्रेट होता है। ब्यूरोक्रेट मतलब ये जो हमारे तहसीलदार बैठे रहते हैं ना, जो भी IAS क्लियर करके UPSC क्लियर करके आए होते हैं, वो सारे क्या है, ब्यूरोक्रेट। अब आपको समझ में आया होगा कि ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं। ए ब्यूरोक्रेट फाइंड द पॉलिटिशियन गिल्टी, दे हैव द पावर टू पनिश देम। अगर ब्यूरोक्रेट
पॉलिटिशियन को किसी मामले में गिल्टी पाता है तो उनके पास पावर होती है, दे हैव पावर टू पनिश देम, पॉलिटिशियन को पनिश करने की पावर होती है ब्यूरोक्रेट के पास, समझ रहे हो। किसी का ब्यूरोक्रेट जानता भाई अपनी मेहनत से आया हूँ, बार बार वो नेता की तरह हाथ नहीं जोड़ रहा होता, उसके पास इतनी पावर होती है कि नेता को सजा दे सकता है अगर वो गिल्टी पाता है। लेकिन यार इंडिया में आपको पता है कानून कितना लचीला है, तो इस चक्कर में इतना ज्यादा होता नहीं है, तो रेयरली इन इंडिया, इंडिया बहुत कम होता है। लेकिन पावर होती है ब्यूरोक्रेट के पास कि वो पॉलिटिशियन को, वो गिल्टी पा रहा है किसी मामले में तो पनिश कर पाए। उसके बाद ब्यूरोक्रेट के पास क्या, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपको पता जो यूपीएससी क्लियर करके बैठ रहे आईएएस ऑफिसर, जितने भी आईएएस ऑफिसर और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बैठ रहे हैं, वो सारे किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। ड्यूटी टू वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, उनका बस काम होता है, ड्यूटी का उनकी ड्यूटी बस इतनी होती है कि वो ऐसा काम करे जिससे हमारी कंपनी को, हमारी कंट्री को बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद ब्यूरोक्रेट का काम करता है, दे शुड बी हाईली एजुकेटेड, नेता बनने के लिए आपको इतनी हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ब्यूरोक्रेट बनने के लिए हाईली एजुकेटेड होना नेसेसरी है। एक बार देख लो वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, चल रही है। अच्छा उसके बाद क्या है, ब्यूरोक्रेट को हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक डाउट आता है आप लोगों के मन में, सर आजकल हम बहुत, एक बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटी है जिसका नाम है डॉक्टर एस जय शंकर। एस जय का मतलब क्या है, एस मतलब सुब्रमण्यम और जय का मतलब जय, वो जय वाला होता है ना वही जय। तो डॉक्टर एस जय शंकर, हम सर कई बार सुनते हैं डिप्लोमेट, कई बार हम सुनते हैं ब्यूरोक्रेट, तो ये असल में बहुत एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यानी यूपीएससी क्लियर करने के बाद इन्होंने बहुत टाइम तक इंडिया को सर्विस दिया है। आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की, उन्होंने इन्हें हायर किया है एज द डिप्लोमेट फॉर फॉरेन कंट्रीज, जो अपने फॉरेन कंट्रीज में अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। वहाँ रहेगा नहीं, यहीं से अपने देश को फॉरेन की जितनी भी बातचीत होगी वो सारे कौन करेगा, डॉक्टर एस जय शंकर। ये बाय द वे मेरे फेवरेट भी है, माय आइडियल आप बोल सकते हो। अच्छा तो अगर कोई पूछ रहे डॉक्टर एस जय शंकर है क्या, तो ब्यूरोक्रेट भी है और डिप्लोमेट भी, लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं है, इलेक्ट होके नहीं आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे हम सीखते हैं एम्बेसडर के बारे में। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, यही आगे कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या डिफरेंस है। अभी तक आपने क्या सीखा, डिप्लोमेट क्या है, अगर आपने सीखा तभी आगे बढ़ो। उसके बाद पॉलिटिशियन आप लोगों को पता ही है, ब्यूरोक्रेट क्या है उसके बारे में मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया उसके बारे में, तो अभी डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम एम्बेसडर, एम्बेसी पढ़ेंगे, कॉन्सुलेट भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप सबर रखो, अभी पढ़ो एम्बेसडर क्या होता है। राज नहीं क्या, कूटनीतिज्ञ कौन था, डिप्लोमेट, लेकिन इनका नाम होता है राजदूत, यानी राजदूत क्या होता है आपको भी समझ में आता हो, राजदूत मतलब जैसे हनुमान जी गए थे बाहर राजदूत बन के, तो वही साहब है राजदूत, राज क्या कहते हैं राजदूत डिप्लॉयड इन अदर नेशन, जैसे यूएसए का हमारे साथ रिलेशन है, आप ऐसा सुना, अब जैसे ना उनको हमारी हमारे बंदों को उनकी कंट्री में जाना है, उनके बंदों को हमारी कंट्री में जाना है, या फिर उन्हें कुछ फैसला लेना हमारी कंट्री के बारे में या हमें लेना है, तो हम बार बार यूएसए से कॉन्टेक्ट सुना करेंगे, तो यूएसए का कोई बंदा यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए होना चाहिए ना, तो उसे एम्बेसडर कहते हैं। वैसे ही हमारा कोई बंदा यूएसए में होना चाहिए ना रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे एम्बेसडर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा एम्बेसडर क्या है, कोई भी देश का प्रतिनिधि जो दूसरे देश में जाके जॉब कर रहा हो और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो। लेकिन सर हमने एक और शब्द सुना है हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर क्या होता है फिर अगर एम्बेसडर होता है। कई बार क्या होता है किसी कंट्रीज में अगर एम्बेसडर नहीं है तो उसकी जगह हाई कमिश्नर रख दिया जाता है, लेकिन हाई कमिश्नर क्या होता है एज अ एम्बेसडर, बिल्कुल सेम काम है एम्बेसडर की तरह, लेकिन दे आर द सीनियर डिप्लोमेट, वो भी डिप्लोमेट होते हैं सीनियर डिप्लोमेट अबाउट कॉमनवेल्थ नेशन,
कहने का मतलब क्या है, कोई कॉमनवेल्थ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, जिसके अंदर 54 या 53 यानी कोई ज्वाइन करता है तो कोई निकल रहा होता है, तो लगभग मान लो 53 कंट्रीज है जिनके कॉमनवेल्थ नेशन, इन्हें जिन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है आपस में मिलके, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दो कंट्रीज के मान लो जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों कॉमनवेल्थ कंट्री के मेंबर है। अब एम्बेसडर की तरह हमारा कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में गया तो हम उसे एम्बेसडर ना कह के नया नाम देंगे हाई कमिश्नर, और ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा हमारे यहाँ आया अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर जॉब कर रहा है तो उस बंदे को एम्बेसडर ना कह के हाई कमिश्नर कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अंतर। एम्बेसडर क्या है, सेम काम है लेकिन हाई कमिश्नर कहा हो जाता है जहां पर कॉमनवेल्थ नेशन जो कंट्रीज है वो आपस में जब बंदे का एक्सचेंज करते हैं तो वहां पे क्या होगा, हाई कमिश्नर कहेंगे। अच्छा, कॉमनवेल्थ नेशन अब आपको समझ में आना चाहिए क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे और सेशन को एंड करेंगे, लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सीखो। कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं आप याद रखना, जब ब्रिटेन ने रूल किया तो लगभग हम यही कहते थे कि इनका शासन एक ऐसा शासन है जो कभी ना अस्त होता है ना ही इनका कभी अस्त होता है। क्यों नहीं अस्त होता, मतलब सूर्यास्त नहीं होता, कहने का मतलब इनके शासन का, कहने का मतलब कि सूर्यास्त नहीं होता, मतलब कि इनका शासन इतना वास्ट है कि वर्ल्ड में एक जगह देखो आपको पता है कहीं दिन होता है कहीं रात हो रही होती है, इनका शासन इतना बड़ा है कि जहाँ दिन हो रहा होता वहां भी शासन है, जहाँ रात हो रही होती है वहां भी शासन, अब यहाँ दिन होगा वहां रात होगी तो यहाँ भी शासन, यानी लगभग पूरे वर्ल्ड में शासन है। इसलिए इनका कहते थे कि इनके जो इन्होंने राज कर रखा था तो इनके राज का कभी अंत नहीं होता, सूर्यास्त नहीं होता। टोटल 65 कंट्रीज पर राज किया था इन्होंने। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत हालत खस्ता हो गई थी ब्रिटेन की, हम कहते हैं कि भाई जो हमारे नेता थे जितने भी आज़ादी के लिए नेता थे वो लोग जिम्मेदार है हमारी आज़ादी के लिए, लेकिन मैं कहूँगा वो लोग तो जिम्मेदार है ही है लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी आज़ादी के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो लगभग 65 देशों पर राज किया था, तो जब राज इनका जब ये इनकी हालत खस्ता होने लगी तो इन्होंने नेशन के ऊपर से कंट्रोल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी उन्हें इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया। तो उनमें से जो 53 सारे के सारे नहीं लगभग 53 मेंबर थे जिन्होंने जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ सम्मान में हम क्या है एक तरीके से ही पीड़ित हुए हैं, आप लोग भी अंग्रेजों से पीड़ित हुए हम भी पीड़ित हुए हैं, इन्होंने सेम जुर्म ढाए हैं, हमें काम करते एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हमारी सोच सेम है, हमारे अंदर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप जानते हो ब्रिटेन जो था वेस्ट साइड का था तो इनके अंदर डेमोक्रेसी वाली वैल्यू थी। तो कॉमनवेल्थ नेशन किसे कहा जाता है, वो सारे नेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 53 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, 53 आजाद कंट्रीज का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलमोस्ट वो सारी कंट्रीज जो कभी ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, गुलाम थे, उपनिवेश थे, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच वर वंस अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, वंस पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की कभी ना कभी कॉलोनी रही हो, यानी उनपे ब्रिटिश लोगों ने राज किया होगा, उन कंट्रीज को हमने कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा है। ऑलमोस्ट मतलब ये नहीं है जितनी कंट्रीज है वो सारी, और भी कंट्रीज आके बाद में ज्वाइन कर ली, कई ऐसी थी जो निकल गई, तो ऐसा नहीं है जिन पे सब पे राज किया, और लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे ब्रिटिश एम्पायर का कभी ना कभी राज है। इसे बनाने का एम क्या था, एम था डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, क्योंकि सबके अंदर डेमोक्रेसी वाली वैल्यू पाना पड़ी थी। उसके बाद देखो भाई तुम भी पीड़ित हम भी पीड़ित तो पीस लाएंगे हंडल यानी शांति लाएंगे, और आपको पता है जहाँ शांति में लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे कहाँ उसे प्रॉस्पेरिटी समृद्धि आएगी यानी विकास कहाँ से होगा, तो पीस के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी इसके लिए इन्होंने संगठन बनाया। तो आपको समझ में आएगा 65 कंट्रीज पर लगभग राज किया, उसमें से 53 या 54 कंट्रीज थी उन्होंने इन्हें ऑनर प्रदान किया ताकि एक उनके सम्मान में भी हम कर लेते, आगे भी हम इनके बारे में जानेंगे। अब छोटे मोटे
पॉइंट जान लेते किससे रिलेटेड, कॉमनवेल्थ और नेशन से रिलेटेड। स्टार्ट करते सबसे पहले यहाँ, देखो यहाँ से लाके मैं यहाँ से पॉइंट जुड़वा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1947 में इंडिया बिकम पार्ट ऑफ इट, कॉमनवेल्थ का पार्ट इंडिया कब बना था, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो सिंपल सी बात है 1947 में। बोले सर इससे पहले क्यों नहीं बना, जबकि इसका गठन ये बना कब था, ये आला जो ये ऑर्गेनाइजेशन था ये बना था 1931 में। तो सर 1931 में ज्वाइन क्यों कर लिया, क्योंकि भैया ये वो थे जो कभी आजाद हो गए बाद में, लेकिन पहले ब्रिटिश कॉलोनी के पार्ट थे। तो हम आजादी 1947 में हुए तो पार्ट कब बन गया, हम 1947 में। उसके बाद क्या पाकिस्तान है इसका पार्ट है, लेकिन उसका आप जानते दोगलापंथी, कई बार वो ज्वाइन होता है कई बार निकलता है। तो एक बार वो पार्ट था उसके बाद निकल गया, उसके बाद फिर ज्वाइन हो गया, तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, देखो इसका ओल्ड नेम क्या था, नया नाम तो ये कॉमनवेल्थ नेशन, लेकिन पुराना नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। कोई पूछ ले इसका कॉमनवेल्थ नेशन का नाम क्या था, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। कब, बिफोर लंदन डिक्लेरेशन ऑफ 1949 में लंदन डिक्लेरेशन हुआ, जिसके अंदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नाम बदल के कॉमनवेल्थ नेशन हो गया। उसके बाद और पॉइंट पढ़ो, देखो पॉइंट टू पॉइंट सीखते जाओ, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉमनवेल्थ के बारे में एक और चीज जान लेते हैं, बना कब था, ये 1931 में बना था, अभी बता दिया मैंने। उसके अलावा एक और पॉइंट किया था 1995 में, मोजाम्बिक नाम की कंट्री थी, आप नाम पढ़ लो मोजाम्बिक, जो भी नाम है पढ़ लो। ये एक ऐसी कंट्री थी जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन ज्वाइन करता था, जो कि कभी ब्रिटिश एम्पायर का यानी ब्रिटिश लोगों का गुलाम रह चुका हो, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जबकि ये कभी ब्रिटिश एम्पायर की गुलाम नहीं रही। फर्स्ट नॉन ब्रिटिश कॉलोनी टू ज्वाइन इट, मोजाम्बिक नाम की एक ऐसी कंट्री जो इसने पहली बार ज्वाइन किया, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी की कभी अधीन नहीं रही है, तो किसी और कॉलोनी की रही हो शायद, हाँ रही थी, ये पोर्टुगीज कॉलोनी बनी थी किसी टाइम पे, कॉलोनी मतलब उन्होंने राज किया था पोर्टुगीज लोगों ने। उसके बाद 2009 में रवांडा नाम की थी, उन्होंने दूसरी बार ऐसी कंट्री थी जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं रही थी, लेकिन ज्वाइन करा इस ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड नॉन ब्रिटिश कॉलोनी मेंबर टू ज्वाइन इट, इसको ज्वाइन करने वाली थी, क्या इस पे भी किसने राज किया था, हाँ राज किया था वर्ल्ड वॉर वन जब तक हो रही थी तब तक जर्मन कॉलोनी थी ये कभी रवांडा, बाद में ये भी इंडिपेंडेंट हो गई। तो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट रिसेंट मेंबर कौन है जिसने ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ नेशन को, तो वो कौन सा था, रवांडा। आई होप आपको क्लियर होगा। और पॉइंट पढ़ते कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट है तभी पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हम, आगे क्या, कंट्रीज लेफ्ट कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, वो कंट्रीज कौन सी थी, आयरलैंड जिसने 11 दिसंबर 1931 में ज्वाइन किया था, यूरोप की एक कंट्री है और छोड़ा कब, 18 अप्रैल 1949 में छोड़ दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद जिम्बाब्वे, इसने 1 अक्टूबर 1980 में ज्वाइन किया था, लेकिन अफ्रीका की एक कंट्री है जिसने 7 दिसंबर 2003 में छोड़ दिया। लास्ट बार किसने छोड़ा, लास्ट बार मालदीव ने छोड़ा, ज्वाइन कब किया था, 19 जुलाई 1982 में, 9 जुलाई 1982 में ज्वाइन किया था, लेकिन छोड़ा कब, 13 अक्टूबर 2016 में, यानी अभी के दिनों में छोड़ दिया। क्यों छोड़ते हैं यार, देखो इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है, मालदीव में अभी खबर आ रही थी कि डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो जब इनकी मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पे कई लोगों ने जो कैंडिडेट थे उन्होंने भाषण में डेमोक्रेसी का पालन नहीं हो रहा ऐसे ऐसे सुना दिया मालदीव को, तो मालदीव जाके आप ही अलग हो गया कि भाई हम ज्वाइन नहीं कर रहे, तो अलग हो गया। मोस्ट रिसेंट डिपार्चर किसने किया है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, नेशंस का, तो आप बोलोगे मालदीव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट लगा लेना।
उसके बाद ऐसी कौन सी कंट्रीज इन्होंने छोड़ दिया फिर ज्वाइन हो गए, तो रीज्वाइन करने वाली कंट्रीज कौन सी थी? साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और गैम्बिया। आप बोलो गैम्बिया कहाँ? देखो पाकिस्तान तो आपको पता ही है भारत के बगल में, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है से आप देखो ना गैम्बिया यहाँ पे पड़ रहा है। गैम्बिया कहाँ है? यहाँ पर है। और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका तो पूरा है, इसके साउथ में भी एक कंट्री है उसका नाम ही साउथ अफ्रीका है। ये मत सोच रहे ना अफ्रीका के साउथ वाली सारी कंट्री, एक कंट्री का नाम है लास्ट वाली कंट्री का साउथ अफ्रीका। उसने भी एक पार्ट में छोड़ दिया फिर रिजॉइन कर लिया था कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यूके के बारे में पढ़ लेते हैं। सर यूके के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि भाई आयरलैंड की बात छिड़ गई, जब आयरलैंड की बात छिड़ गई तो आपको बताता हूँ मैं। देखो आयरलैंड बहुत बड़ा है, ये पूरा आयरलैंड है, ये जो छोटा सा नेशन है इसका छोटा सा टुकड़ा ये पूरा आयरलैंड है, लेकिन इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसका नाम है नॉर्थर्न आयरलैंड। पूरे का नाम क्या है? आयरलैंड। इसका नाम है नॉर्थर्न आयरलैंड और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अच्छा उसके बाद देखो अगर इसको भी जोड़ दोगे पूरा तो ये क्या बन जाता है? ब्रिटिश आइल्स, जो जितना भी यहाँ पे और भी इंग्लैंड इंग्लैंड है उनसे मिला के ब्रिटिश आइल्स बन जाता है। ठीक है, देखो इंग्लैंड है आपको पता होगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इतना तो पता ही होगा। वेल्स भी है यहाँ पर। तो अगर कोई पूछ ले कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है तो इंग्लैंड को मिला दो, वेल्स को मिला दो और स्कॉटलैंड को मिला दो, तो इतना मिलाकर जो एरिया बनता है उसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यूके क्या होता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको तो मिला ही दो, लेकिन ये जो नॉर्थर्न आइलैंड बताया ना मैंने इसको भी मिला दो, तो ये आज का यूके बन जाता है। यूके का पूरा नाम क्या है? तो यूके का फुल नेम क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। यूके का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। ये रियल यूके है जो आज के टाइम पे हम देख रहे होते हैं। ऑल आयरलैंड, जितने आयरलैंड है उसे मिला के हमने क्या बोला? ब्रिटेन आइल्स, कॉल्ड एज ब्रिटेन आइल्स। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन क्या है? मैंने क्या बोला? नॉर्थर्न आयरलैंड को हटा दो तो आप क्या बन जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। ये बता दें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। यूके क्या है? वही है बस, क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तो था, वेल्स लैंड बोल दो या वेल्स बोल दो, प्लस में NIOR आ गया। NI मतलब नॉर्थर्न आयरलैंड। आयरलैंड क्या था? ये पूरा था, इसका नॉर्थर्न आयरलैंड क्या? यूके का हिस्सा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आयरलैंड कौन सा है? ये आयरलैंड है, ये पूरा नहीं है, ये बस इतना सा है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जो अलग हुआ था कॉमनवेल्थ नेशन को छोड़ के, तो इसलिए मेरे को आपको बताना पड़ा आयरलैंड कौन सा था, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मेनली। ठीक है, यूके क्या होता है? जिसके अंदर नॉर्थर्न आयरलैंड और आ जाए, और ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है? जिसके अंदर नॉर्थर्न आयरलैंड ना आए। कंप्लीट नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कॉमनवेल्थ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको आज के सेशन में कवर करवाया। दो चार पॉइंट और है, रियलिज्म और चीज़ें ऐसी है, रियलम आपने बहुत सुना होगा कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में, रियलिज्म ऐसे करके बोल देते हैं, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। रियलम आपने पढ़ा होगा, तो आपको अगर नहीं आता समझ में तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा उस टॉपिक के बारे में। आई होप आपके आज के बारे में समझ में आएगा डिप्लोमेट क्या होता है, पॉलिटिशियन आपको पता था, ब्यूरोक्रेट समझ में आया होगा, एम्बेसडर का मीनिंग समझ में आया होगा, हाई कमिश्नर कैसे डिफरेंशिएट करते हो उसके बारे में, और कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं इनके पॉइंट हमने पढ़ लिया कि मोजाम्बिक, रवांडा ये सारे क्या थे? जो नॉन ब्रिटिश कॉलोनी थी, ज्वाइन किया था जिन्होंने, फिर जिन्होंने बाद में छोड़ दिया वो कौन से नेशन थे, जिन्होंने छोड़ के रिज्वाइन कर लिया वो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और गैम्बिया थे। और यूके के बारे में हमने जाना आज कि यूके रियल में है क्या,
तो आई होप आपको आज का लेसन नॉलेजेबल लगा होगा। है आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देखना, क्योंकि ये बेसिक्स है यार। अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाओगे अगर इन्हें नहीं सीखा तो यह बार बार दिक्कत करेगी, इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।